ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बताना तो पड़ेगा मैं आज हमारा सवाल क्या नीरव और चौकसी जैसे भगोड़े यूपीए सरकार के दिन थे और क्या रघुराम राजन ने बैंकिंग घोटाले पर कांग्रेस की पोल खोल दी है। सवाल के साथ मेहमानों के साथ फिर चर्चा करते हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी, मेरा सवाल आपसे था क्योंकि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को भुनाता रहा, इस मुद्दे को उठाता रहा। आप लोग कहते रहे कि नहीं, ये 60 साल से मिली विरासत है, लेकिन इस विरासत को अचानक से ये राज क्यों उठने लगे? अचानक से रघुराम राजन जी को कैसे याद आ गया? और ये भी बताइए, 4.5 साल में सरकार ने क्या किया और अब भविष्य में ना हो ऐसा, उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? अच्छे सवाल किए आपने। मैं चीख चिल्लाहट नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को आप समय दीजिएगा, है ना। मेरा सीधा देखिए इस पे क्या है कि ये बैंकिंग की हम बात करें, सारी चीजें तथ्य हैं, ये कोल्ड नंबर्स होते हैं। इस पे कोई राजनीति करना भी चाहे लेकिन अंत में जो नंबर है वो तो सच्चाई है, किताबों के अंदर है। एनपीए कैसे होता है, एनपीए क्यों हुआ, ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट चीजें किताबों के अंदर है, कोई भी देख सकता है। अगर वो जिस पीरियड की वो बात कर रहे हैं 2006 और 2008, उन्होंने यहां तक का, इतने गंभीर व्यक्ति हैं, उन्होंने जहां तक ये कहा कि चेकबुक लहराई जाती थी, उसमें लिखा हुआ है चेकबुक लहराई जाती थी, बताइए आपको कितना चाहिए। और दिल्ली के 5 सितारा होटलों में क्या क्या डील होती थी दिल्ली में कौन नहीं जानता, जो जानता उस समय सरकार कैसे चलती थी। कुछ एक ऐसे नेता थे जो मिलते ही लोगों को रात को 1 बजे थे, है? अब तो एमपी गुजरात से दोबारा एमपी बन के आए हुए हैं वो। लेकिन प्रश्न इस बात का है, ये बात कही जा रही है कि साहब हमारे टाइम में एनपीए ज्यादा दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है जो किताबों में इन्होंने छुपा रखा था। हमने ये कहा कि बैंकों को सबका बिल्कुल बाहर निकालिए, स्पष्ट करिए, जिससे कि जो ये 2014 तक इन्होंने कितनी जो एनपीए हो चुके थे पर उन फिगर्स को इन्होंने छुपा रखा था, सारी बाहर निकाली गई हैं। और जब प्रधानमंत्री को, आपको याद होगा बैंकिंग कॉन्क्लेव पूना में जो हुआ, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा, सारे बैंकों के सीईओ को बुलाया, सीएमडीज को बुलाया और स्पष्ट किया, आपके पास अगर किसी भी पॉलिटिशियन का फोन आता है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आप तुरंत मुझे उसका नाम बताइए, मैं खबर लूंगा। हमने जो इसका राजनीतिकरण हो गया था पूरे लोन देने की प्रणाली का, जो ये महाबोध चल रहा था, इसको खत्म कर दिया, इसको डीपॉलिटिसाइज कर दिया। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आपके चैलेंज को चुनौती दे रहा हूं कि आप मुझे बताइए एक व्यक्ति जिसने पॉलिटिकल कंसिडरेशन या टेलीफोन पर जाकर के उसने फोन किया हो या किसी को लोन मिला हो। मैं कांग्रेस को भी चुनौती देता हूं, बताइए एक नाम। अच्छा, और ये राजन साहब की जहां तक बात है, हमारी पसंद की नापसंद की बात नहीं है, प्रश्न ये है कि वो आज जिन जो कांग्रेस के पोस्टर बॉय थे, आज कांग्रेस के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है, और जब राजन जी बोलते हैं पूरी दुनिया में खबर बनती है कि ये बैंकिंग सेक्टर नहीं था वहां पर, जिस हिसाब से ये लोग करते थे, और कई बैंकिंग अधिकारियों को धमकियां दी जाती थी, ये सच्चाई है। आलोक जी, ये तो सब जानना चाह रहे हैं कि अचानक से इतने इतने साल मैं एक बार जवाब दे दूं उसका। इसका बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, नहीं प्रश्न बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है, आदमी छुपाता है लेकिन अंतरात्मा एक चीज होती है, उनकी अंतरात्मा उनको कौंध रही होगी, तुमको सब कुछ पता है, बोलिए। अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो बोल रहे, आने वाले समय में देखिए। मैं समझता हूं कि तमाम फैक्ट्स मैंने अभी सामने दिखाए, तमाम ग्राफ मैंने दिखाए, जिसमें किस तरह से बैंक का लैंडिंग जो है वो लगातार ग्राफ में बढ़ रहा है। लेकिन ठीक है, आज इनको एक 2006 और 8 का एक टुकड़ा पकड़ में आया है, तो इस सारी चीज़ें हम पर डालना चाहते हैं। लेकिन असली बात यह है, आप कह रहे हैं सब कोयले घोटाले की वजह से हो गई। नरेंद्र तनेजा साहब, बताएं मुझे कि 4.5 साल में एक भी कोयला घोटाले से व्यक्ति को आपने जेल में पहुँचाया, पहला सवाल। दूसरा, आपने कहा कि साहब नकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती थी, DPR बनती थी। मैं पूछ रहा हूँ, एक भी नकली DPR को आपने पकड़कर जी न्यूज़ के हवाले क्यों नहीं किया? ये लोग तो आपका पूरा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे से चलाते हैं उसको। उसके बाद आप वाइट पेपर आज तक क्यों नहीं लेके आए बैड लोन्स और NPS के ऊपर, जरा मुझे इस बात की बता दीजिए बात। उसके बाद ये जो, जब 24 जुलाई, अभी गए हुए दिन नहीं हुए, 2 ही महीने हुए, 24 जुलाई को जब एक MP पूछ रहा है कि भैया आप बताइए कि पिछले 4 साल में कितने लोगों को 500 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया और कितना वापस आया उसमें से, तो आप क्यों नहीं उसका उत्तर दे रहे? मेहुल चौकसी के 378 जो लेटर थे, जो लेटर ऑफ क्रेडिट जिनको LOI कहा जाता है, क्या वो आपके समय में नहीं दिए गए थे? हाँ या ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद पूजी और तरह की बातें, लेकिन क्या एक भी व्यक्ति, मैं बताना चाहता हूँ, एक एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ शर्मा जी। ये मेरे पास इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट्स हैं, जो क्रेडिट दिए गए
पर्सनल लोन से, ये सारे ग्राफ अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहे हैं कि 2014 के बाद से ज्यादा लोन दिए गए। ठीक है शर्मा जी, आप व्हाइट पेपर कब लाएंगे देश के सामने, जरा मुझे बता दीजिए। ठीक है आलोक जी, मैं आपके, अरे साहब देखिए वो जो लोग काले धंधे कर करके, नहीं जो चेकबुक लहराते थे कि चेकबुक लहराते हैं, एक आध चेकबुक वाले को पकड़ के अंदर क्यों नहीं डाल रहे आप लोग? चेकबुक लहराते थे नहीं, आलोक पौराणिक जी बताएंगे मुझे। लेकिन एक मिनट तनेजा जी, जो आलोक जी ने 24 जुलाई वाला सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए, सरकार क्या कर रही है ये बताइए। मौका तो देंगे ना। हाँ ठीक है बोलिए सर। मैं आपको बता रहा हूं, उनको देखिए बहुत छोटा सा मैं आपको जवाब दे रहा हूं। पहली बात यह है कि इनका ये जो कहना है कि भाई अगर किया, हर बात में ये कहते हैं आपने पकड़ा क्यों नहीं, पकड़ा क्यों नहीं। अरे जब हम आए हैं सत्ता में, हम देश के लिए काम करें, निर्माण करें, देश को जहां इन्होंने आईसीयू में फेंका था बाहर निकाल के इलाज करें, या चोरों को पकड़ते रहे, खाली चोर भी पकड़े जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो चोरी इतनी करी है कि हर घंटे में 10 पकड़े जाए, प्रश्न इस बात का है। हमने ये चुना, ये चोर तो पकड़े ही जाएंगे, जनता इनको नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो इस समय हमारा ये था कि जो इन्होंने पूरे देश को पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब लकवा मार दिया था, मोदी जी के मेहुल चौकसी भाई शर्मा जी क्यों रेटल्ड होते हैं? मैं तो ये बहस करता नहीं ना, बता दो जो चेकबुक लहराता शर्मा जी क्यों रेटल्ड होते हैं? आप इतने विचलित क्यों? इसी से जाहिर होता है आलोक शर्मा जी, आपके दर्शक समझ जाएंगे ये बौखलाहट दिखा रही है, ये चोर की बौखलाहट है। एक मिनट आलोक जी, ये चोर की बौखलाहट है। 1,76,000 मुझे बताइए, बौखला क्यों रहे, इतने क्यों घबरा रहे हैं? एक का नाम तो बताइए, क्यों घबरा रहे हैं इतना? सरकार जाएगी, ये घबराहट क्यों? आप ये घबराहट क्यों? दर्शक समझ रहे हैं, घबराहट इसलिए क्योंकि अंदर चोर है। 2019 के तक ये चोर की घबराहट है। राजन साहब ने यही कहा कि आप ये चोर की घबराहट है। शर्मा जी तमाम घबराइए, पूरा देश चैलेंज कर रहा है जिसको आप तथाकथित चोर कह रहे हैं। आपकी आपकी घबराहट, आपका You are so rattled. बदनाम करने में आपकी असली में आप लोगों ने क्या किया? You people looted, आप लोगों ने देश को 12 लाख करोड़ का चूना लगाया, जनता माफ नहीं करेगी। कितने कोयले घोटाले वाले अंदर किए, कितने घबराहट से लग रहा है। आलोक पौराणिक जी सर, मैं आपके पास बना दोगे। ठीक है सर, ठीक है शर्मा जी, आलोक पौराणिक जी, कुछ होने वाला नहीं शर्मा जी, सच्चाई को फेस करिए। बहुत डीपली पढ़ा है, डीपली समझाइए ना लोकपाल प्लीज, दर्शकों को बहुत सिंप्लीफाई करके समझाइए। ये जो भी अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये वाकई कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा था भी या नहीं? अब रघुराम राजन ने सीधा सीधा कहा, कांग्रेस को आईना दिखा दिया और सरकार को कह दिया कि इन्होंने भी सुस्ती ला दी। ये बैंक चेकबुक लहराने वाली बातें ये एग्जिस्ट करती थी कहीं पे? देखिए दो बातें बहुत साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि इस देश के करीब 2/3 हिस्से की बैंकिंग पे सरकारी बैंकों का कब्जा है। ठीक है, सरकारी बैंकों का कब्जा है और जितने आपको बड़े घपले घोटाले या एनपीए दिख रहे हैं वो सरकारी बैंकों की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। हाँ। तो सरकार उसकी ओनर रही है, तो उसकी नैतिक, टेक्निकल, राजनीतिक हर जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा क्यों हुआ। एक कॉमन सेंस पत्रकार के नाते हम स्टडी करते हैं तो कई लोन तो ऐसे दिए गए। हाँ। जैसे विजय माल्या का ही मैं स्टडी करता हूं तो वो पैसा डूब रहा है। हाँ। एक कॉमन सेंस का व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये व्यक्ति ऐसे पैसा नहीं मिलना चाहिए, वो व्यक्ति और पैसा लेके आ रहा है, वो व्यक्ति और पैसा लेके आ रहा है। तो बतौर आर्थिक पत्रकार मेरी एक समझदारी ये बनती है कि ये राज्यसभा के सांसद हैं, उस वक्त की सरकार में इनके कुछ हिस्सेदारी है। अब वो टेक्निकल डिटेल्स मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, किसने कैसे फोन किया, किसने कैसे फोन नहीं किया, लेकिन मुझे दिखाई ये पड़ रहा कि राजनीतिक प्रभाव के चलते ये व्यक्ति वो लोन लेके आ रहा है जिसको कोई कॉमन प्रूडेंस का व्यक्ति नहीं देगा, नहीं दे सकता। तो इससे कहीं ना कहीं ये शक पैदा होता है कि ये लोन दे कौन रहा है, लोन दिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कॉमन सेंस जब काम नहीं कर रहा तो कहीं ना कोई दूसरे प्रलोभन है, दूसरे लालच है। तो ये सारे मसले टेक्निकल डिटेल्स के, इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन बतौर आर्थिक पत्रकार एक बात मैं आपको और बता दूं, बिल्कुल आप यहाँ डिबेट कुछ भी कर लें लेकिन इन चोरों से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ। उससे ज्यादा आसान काम यह है कि इनकी दुकानें नीलाम करवा दीजिए। हाँ। जो पैसे बचे वो बांट दीजिए। और व्यक्तिगत तौर पर मैं सरकार को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लीगल प्रोसेस के बजाय बैंक्रप्सी कोड आ गया, तो अभी कौन चोर पकड़ा गया, कौन चोर निकला गया वो छोड़ो, अभी जो चोर पकड़े गए हैं उनकी प्रॉपर्टी यहाँ है, उसे बेच के भी अगर हम 1,000 का 200 करोड़ ले लें ये बड़ा काम है। क्योंकि ये तो एंडलेस डिबेट है, इस डिबेट का कोई अंत नहीं। लीगली आप क्या प्रूव होगा, लेकिन बैंक्रप्सी कोड के जरिए हम भागते भूत की लंगोटी पकड़ लें वो बड़ा। माधव आनंद ये बहुत मुश्किल है कि एक बार आप किसी चोर को पकड़ के ले आए लेकिन उसको एक्सपोज करना, ये भी तो बड़ी बात है कि वो एक्सपोज तो हुआ है। ये जो
माननीय प्रधानमंत्री जी जो एनडीए की सरकार है, आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रेप्सी कोड आज के डेट में इतना मजबूत और इतना स्ट्रांग हो गया कि इस सरकार को जो धन्यवाद देना चाहिए कि देखिए कि आईबीसी कोड में लगभग कितने अमेंडमेंट हुए और उन्होंने जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है, एग्जिस्टिंग प्रमोटर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस एंड पूरे जीवन भर के लिए कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये सरकार की मंशा को दिखाता है कि सरकार कितना संवेदनशील है। अगर कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर किसी ने चोरी किया है और पैसा लेके भाग गए या गलत जगह पे लगाए, हाँ। सरकार उसको छोड़ने नहीं जा रही है। सरकार जैसे अंतिम आपको डिबार कर रही है कि आपका एसेट्स आपको जीवन भर नहीं मिलेगा, चाहे आप साम दाम दंड किसी रूप में लीजिए, हाँ। तो इस सरकार की गंभीरता को दिखाता है। दूसरी बात, जो बैंकिंग इश्यूज था, बैंकिंग सिस्टम में लूपहोल्स थे, 2014 के बाद देखिए कि बैंकिंग सिस्टम को कितना दुरुस्त किया गया है। जो पहले अगर मैं पावर सेक्टर को लोन देता था मिला है तो एक बैंक अब मॉनिटर करती है कि वो पर्टिकुलर उसी पावर सेक्टर के लिए पैसे का यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ। विजय माल्या केस में क्या हुआ, विजय माल्या लोन लिए किंगफिशर के नाम पे और उन्होंने क्या खरीदा उस पैसे से, जो है जाके हवेली या कोठी खरीद लेते हैं लंदन में जाके, क्योंकि बैंक उसको मॉनिटर नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो यूपीए 1 और यूपीए 2 की पूरी विफलता थी और कहीं ना एक लोगों का साठ गांठ था जिसके कारण इतने बैड लोन बढ़े। ये सरकार बहुत संवेदनशील है और मैं एज ए इकोनॉमिस्ट भी आपको बोलना चाहता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरकार जितनी गंभीर है, मुझे बहुत आशा है कि लगभग जैसे 60-70% बैड लोन जो है बैंकिंग सिस्टम में आए। सुनील यादव जी फिर क्या होगा, विपक्ष के पास क्या बचेगा अब? देखिए माधुरी जी, सवाल विपक्ष का नहीं है, सवाल यह है कि आज राजन साहब का बयान आ गया तो हाँ। सरकार जाग गई। उन्होंने ये भी तो कहा कि एनडीए सरकार भी सुस्ती हाँ। के बारे में उन्होंने बात की हाँ। मैं कह रहा हूं कि मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूं, मैं नहीं जाना चाहता पिछले इतने उसमें, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया क्या क्या रीजन रहे, किस किस तरीके से होता रहा या किस किस तरीके से है। मैं आलोक जी की एक बात से सहमत हूं, क्या ये सरकार किसी को पकड़ पाई, किसी के खिलाफ एफआईआर कर पाई, इस सरकार ने क्या किया और ये सरकार क्यों नहीं बताना चाहती कि 500 करोड़ के ऊपर के कितने लोगों को लोन दिया गया है? भाई सरकार तो देश के लिए है, सरकार हाँ। किससे छिपा रही है? ठीक है, जिस देश ने सरकार को बनाया, मोदी जी क्यों छिपाना चाह रहे हैं? पिछले ये एक सवाल है और पिछले 60 सालों पर आप बात नहीं करेंगे, 4.5 साल के कार्यकाल पर आपको जवाब चाहिए, वो जवाब मैं ब्रेक के बाद लूंगी, सनरेन तरेंजा जी से लूंगी और शरद कोहली जी से समझने की कोशिश करूंगी कि इकोनॉमी पे इसका कैसे असर पड़ा। तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं, नरेन तरेंजा जी मैं सीधे आपके पास आ रही हूं। आलोक जी का एक सवाल था कि एक खुद एक एमपी ने इसका एक रिकॉर्ड मांगा है सरकार से कि 500 करोड़ से ऊपर जिसे भी लोन दिया उसकी लिस्ट दी जाए, अभी तक वो जवाब क्यों नहीं आ पाया सर, या उसकी कोई और तैयारी हो रही है, क्लियर कर दीजिए। देखिए इस तरह के जो देखिए इस तरह के जो भी बातें मांगी जाती हैं कि भाई किसका क्या है, आपको बताया जो बैंक का रेगुलेटर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, किसको कितने लोन दिए गए, क्या करा गया है, सबका जवाब के जो रेगुलेटर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वो सरकार नहीं होती है। रिजर्व बैंक एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जब सरकार से कोई सवाल पूछा जाएगा सरकार उसको आरबीआई को देगी। और दूसरी बात ये होती है, हमारे जहां तक हमारी बात है, हमारे यहाँ तो खिड़कियां है ही नहीं, सब खुला हुआ है, हमारे यहाँ कुछ छुपाने का काम नहीं है, हमारी सरकार कोई छुपाने, हमारे यहाँ कोई रात को 1 बजे नहीं मिलता। ठीक है, राजनीतिक जवाब दिए जाएंगे। लगातार 2006-2008 की बात की गई, तब इकोनॉमी बहुत अच्छी थी और तब अति उत्साह में लापरवाही करते हुए बैंकों ने, ऐसा थोड़ी होगा कि बैंक ने कहा भाई हमारे पास हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है तो आप पैसे बांटते चलिए। देखिए बैंक के अफसरान बहुत एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही क्वालिफाइड है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अब ये है, मैं तो ये जानता हूँ माधुरी एक अर्थशास्त्र की दृष्टि से, कि आज फ्यूल का इम्पोर्ट बिल 8 लाख करोड़ है, अगर ये एनपीए ना होता तो आज आपको पेट्रोल में सिर्फ टैक्सेस की कीमत देनी पड़ रही होती, पेट्रोल आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाता। मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया, एक किसान, एक गरीब मिडिल क्लास आदमी जो छोटी एक मारुति खरीदता है, उसको अगर वो एक भी किस्त का डिफॉल्ट करता है, अगले दिन उसका ट्रैक्टर और उसकी फसल को उसकी कार को उठा के ले जाया जाता है। पर ये बड़े बड़े धन्ना सेठ जो बैंक से पैसा लेके आज मजे से रहते हैं और उनके लोन दादा खरीदे पोता वरते, वो रिन्यू होते जाते हैं, एवर ग्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, ये अन्याय कब तक जो इस देश के नागरिक सहते रहेंगे?
और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट भी ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दे कि फिलहाल एनपीए को ठीक करने के लिए या इस समस्या से बचने के लिए जो सुस्ती का आरोप राजा ने लगाया, क्या उस पर कोई काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बताना तो पड़ेगा मैं सोशल मीडिया के लिए हमारा सवाल था, क्या नीरव और चौकसी जैसे भगोड़े यूपीए सरकार की देन है। दर्शकों ने कहा 88% लोगों ने कहा है हाँ, 11% लोगों ने कहा नहीं, और 1% लोग ऐसे भी हैं जो बता नहीं सकते। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।